हेलो अभिमान, तो स्टार्ट करते हैं एलसीएम एंड एससीएफ से। एलसीएम मींस लीस्ट कॉमन मल्टीपल एंड एससीएफ मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कैसे निकालते हैं एलसीएम एससीएफ से? नंबर रखा आपको 12, एक नंबर रखा आपको 12 एंड एक और नंबर रखा आपको 16। तो मैंने बोला आपसे लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या है कि 12 एंड 16 के मल्टीपल, तो 12 के मल्टीपल कौन सा आएगा? 24, 36, 48, 60, गोस टू सो ऑन। एंड 16 का मल्टीपल कौन सा आएगा? 32, फिर 48, गोस टू सो ऑन। तो मैंने बोला आपसे लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब 12 एंड 16 के कॉमन मल्टीपल, 12 एंड 16 के कॉमन मल्टीपल, और उसमें भी क्या होना चाहिए? सबसे लीस्ट, सबसे छोटा। तो 48 इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 12 एंड 16। सेम मैंने आपसे बोला हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो 12 एंड 16 के कॉमन फैक्टर, और उसमें भी क्या होना चाहिए? सबसे बड़ा। तो 12 के फैक्टर्स कौन से आएंगे? 1, 2, 3, 4, 6 and 12। एंड 16 के फैक्टर्स कौन से आएंगे? 1, 2, 4, 8 and 16। तो मैंने बोला आपसे 12 and 16 के कॉमन फैक्टर, और उसमें भी क्या होना चाहिए? सबसे बड़ा। तो 4 क्या आएगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 12 and 16। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल LCM इज ऑलवेज मोर देन द नंबर एंड नंबर इज ऑलवेज मोर देन द SCF। तो आपको दिख रहा होगा कि नंबर इज ऑलवेज मल्टीपल ऑफ SCF एंड जो LCM आएगा, LCM इज ऑलवेज द मल्टीपल ऑफ द नंबर। तो जो LCM होगा वो SCF से हमेशा बढ़ाएगा और LCM हमेशा SCF का मल्टीपल आएगा। क्लियर? तो बेसिकली निकालते कैसे हम वो स्टार्ट करते हैं। फिर नंबर रखा आपको 12, अभी नंबर रखा आपको 12, तो एक नंबर 12 रखा है, 16 दे रखा है। तो पहले 12 को फैक्टराइज कर लो। 12 का मतलब क्या हो गया? 2 into 2 into 3। एंड 16 का मतलब क्या आएगा? इसको फैक्टराइज किया तो 2 into 2 into 2, फिर से इंटू कितना आएगा? 2। तो मैंने बोला आपसे 12 क्या रखा है? 2 into 2 into 3, 16 क्या है? 2 into 2 into 2 into 2। तो मैंने बोला आपसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या है? वो नंबर जो दोनों में कॉमन हो। तो देखो 2 into 2 ऊपर भी आ रहा है और नीचे भी आ रहा है, तो 2 कॉमन है, ये भी 2 कॉमन है। तो मैंने बोला आपसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो 2 into 2, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना निकलेगा इस केस में? 4। मतलब 2 into 2 ऊपर भी है और नीचे भी है। सेम मैंने बोला आपसे LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो LCM कैसे निकालूंगा? मतलब मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए जो दोनों को डिवाइड करे। तो 12 का मतलब क्या है? 2 into 2, 16 का मतलब क्या है? 4 times 2। तो ऊपर 2 कितनी बार है? 2 बार। नीचे 2 कितनी बार है? 4 times। तो LCM में 2 कितनी बार आएगा? ज्यादा बार, मतलब 4 times। तो LCM का मतलब क्या होता है? एक ऐसा नंबर जो 12 से और 16 से डिवाइड हो जाए। तो नंबर को डिवाइड करना है तो ज्यादा वाला वैल्यू होना चाहिए ना, तो 2 times 2 4 times। तो LCM में 2 कितनी बार आएगा? 4 बार। 3 एक बार भी नहीं है, तो इसका मतलब LCM में 3 कितनी बार आएगा? 1 बार। तो 4 times 2 into 3, तो मैंने पूछा आपसे LCM, तो LCM इतना है इसमें, 48 हो गया। क्लियर? और आपको दिख रहा होगा कि 12 into 16 इज सेम एज कितना आ रहा है? 4 into 48। मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर को मल्टीप्लाई किया तो n1 into n2 इज इक्वल टू कितना आएगा? LCM मल्टीप्लाइड बाय SCF। तो n1 into n2 कितना होता है? LCM मल्टीप्लाइड बाय SCF। तो दो नंबर का प्रोडक्ट इज इक्वल टू क्या आएगा? LCM मल्टीप्लाइड बाय SCF। क्लियर? तो सिंपल सा LCM SCF निकालते कैसे वो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया। अभी LCM SCF के यूज कैसे करते हैं वो देखते हैं। अब मैं आपको बस 3 to 4 टाइप के क्वेश्चन बताऊंगा, उसमें यूज कैसे होगा आपको देखना पड़ेगा। से जैसे मैंने बोला आपसे, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4, 5 and 6। जी मैंने आपसे बोला व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4, 5 and 6। मतलब मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, एक ऐसा नंबर जो 4 से 5 से और 6 से डिवाइड हो जाए। तो एक ऐसा नंबर जो 4 से 5 से और 6 से डिवाइड हो जाए, तो इसका मतलब एक ऐसा नंबर चाहिए जो 4 का मल्टीपल हो, 5 का मल्टीपल हो और 6 का मल्टीपल हो। तो बेसिकली मैं क्या पूछना चाह रहा हूं आपसे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो आंसर क्या आएगा? LCM ऑफ 4, 5 and 6। तो LCM ऑफ 4, 5 and 6 जैसे यहां पे निकाला, तो LCM ऑफ 4, 5 and 6 कितना आएगा मेरा? 60।
तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4, 5 and 6, तो आंसर कौन सा आएगा 60. और भाई अगर आप 60 का कोई सा मल्टीपल ले लो, 16 to 1, 16 to 2, 16 to 3, सब डिवाइड होगा. तो मैंने पूछा आपसे सीरीज कौन सा बनेगा, तो सीरीज कौन सा बनेगा इन द फॉर्मेट ऑफ 60 के. तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4, 5 and 6, कौन सा निकल के आएगा 60, एंड सीरीज कौन सा बनेगा 60 के. क्लियर. अब इसमें सेकेंड आता है, सेकेंड आता, मैंने आपसे पूछा कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4, 5 and 6 लीव्स द रिमाइंडर, लीव्स द रिमाइंडर 1 इन ईच केस. तो व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर विच व्हेन डिवाइड बाय 4, 5 and 6 लीव्स द रिमाइंडर 1 इन ईच केस. क्लियर. मतलब 4 से डिवाइड किया, 5 से डिवाइड किया, 6 से डिवाइड किया, तो हर केस में रिमाइंडर कितना आना चाहिए 1. अभी आपने ऊपर देखा 60 जो है वो 4, 5, 6 से एग्जैक्टली डिविजिबल होता है ना, तो यदि मैं 60 में एक और ऐड कर दूं तो ऑब्वियसली हर बार कितना बचेगा 1 बचेगा. तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर विच व्हेन डिवाइड बाय 4, 5 and 6, क्या दे रखा आपको 60 और रिमाइंडर 1 बचाना है, तो इसका मतलब क्या है 60 में 1 ऐड कर दिया तो आंसर कितना है इस केस में 61. तो यहां पे कितना आएगा 60 + 1, तो आंसर कितना आएगा 61. और यदि मैं सीरीज की बात करूं तो ऑब्वियसली 60 के 60 का हर एक मल्टीपल 4, 5, 6 से डिवाइड होगा और आपको हर बार रिमाइंडर चाहिए, तो 60k + 1 इस तरह से, तो 60k + 1 ये मेरा पूरा सीरीज बनेगा. तो मैंने पूछा आपसे रिमाइंडर 1 चाहिए, तो 60 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4, 5 and 6 और हर बार आपको 1 रिमाइंडर चाहिए, तो 60 के मल्टीपल में 1 ऐड किया तो आंसर कितना आएगा 60k + 1. तो बाय द वे आप कैसे क्वेश्चन सॉल्व कैसे करोगे, तो सिंपल सा, मतलब पूछा हुआ आपसे रिमाइंडर सेम, मतलब रिमाइंडर 1, 1, 1, 2, 2, 2 रिमाइंडर सेम आए तो हमेशा आंसर कितना आएगा, मतलब एलसीएम ऑफ नंबर्स, एलसीएम ऑफ नंबर्स और प्लस कितना आएगा इसमें रिमाइंडर. तो सीरीज क्या आएगा हमारा एलसीएम ऑफ नंबर्स प्लस कितना आएगा रिमाइंडर. तो एलसीएम ऑफ नंबर्स स्मॉलेस्ट था तो यही हो गया. अब यदि आप इंटू के कर दोगे कोई फर्क नहीं पड़ता, साथ में इंटू 1 लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो, तो एलसीएम ऑफ नंबर्स इंटू के प्लस क्या आएगा हमारा रिमाइंडर. अब इसमें लास्ट आता है जो कि एग्जाम में बेसिकली पूछते रहते हैं. अब आपका रिमाइंडर उसमें सेम था, मैंने पूछा आपसे व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 4, 5 and 6 लीव्स द रिमाइंडर 2, 3, 4 रेस्पेक्टिवली इन ईच केस. तो बाय द वे इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का बेस्ट वे क्या है, ऑप्शन से करो. चार ऑप्शन आपके पास होंगे, एक ऐसा ऑप्शन ढूंढो जो 4 से डिवाइड करने पर 2 दे, 5 से डिवाइड करने पर 3 दे एंड 6 से कितना दे 4. तो इसके आगे पैटर्न में जब भी ऐसा क्वेश्चन आए चार ऑप्शन में से वो ऑप्शन सर्च करो जो 4 से रिमाइंडर 2 दे, 5 से 3, 6 से 4, केवल एक ही ऑप्शन ऐसा होगा. अदरवाइज निकालते कैसे हैं, अभी देखो रिमाइंडर एग्जैक्टली डिविजिबल एलसीएम, रिमाइंडर सेम तो एलसीएम प्लस रिमाइंडर, पर यहां पे रिमाइंडर सेम नहीं है, यहां पे डिफरेंस सेम है. देखो जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हो और रिमाइंडर में डिफरेंस कितना है मेरा 2 का, सेम जिस नंबर से डिवाइड किया और रिमाइंडर में डिफरेंस कितना है 3 का, सॉरी 2 का, एंड 5 - 3 = 2 और फिर से 6 और 4 में फिर से डिफरेंस कितने का है 2 का. तो तीनों ही केसेस में डिफरेंस है कितने का 2 का. तो तीनों ही केसेस में 2 का डिफरेंस है, तो इसका मतलब इस टाइप का मतलब क्या आएगा कि स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर विच व्हेन डिवाइड बाय 4, 5 and 6 लीव्स द रिमाइंडर 2, 3, 4 रेस्पेक्टिवली इन ईच केस, तो आंसर इतना आएगा. दिस वन इज एलसीएम ऑफ नंबर्स, दिस वन इज एलसीएम ऑफ नंबर्स और माइनस क्या आएगा इस केस में डिफरेंस. तो इस टाइप 3 में क्या आएगा, यदि आपका एग्जैक्टली डिविजिबल मतलब एलसीएम सेम रिमाइंडर तो ऐड कर दो और डिफरेंस सेम है, डिफरेंस सेम तो उसको क्या करो माइनस करो. तो यही 3 टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता रहता है. तो यदि एग्जैक्टली डिविजिबल एलसीएम रिमाइंडर सेम तो एलसीएम प्लस रिमाइंडर और डिफरेंस सेम तो एलसीएम ऑफ नंबर्स माइनस डिफरेंस. क्लियर.